भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ओरछा रामराजा सरकार के दरबार में पहुंचे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां माथा टेका। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, साथ ही सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग और अमेरिका से पढ़ लिख कर आते हैं, ऐसे लोगों को वर्चुअल रैली क्या होती है यह पता नहीं है। और ऐसे ही लोग मोदी और योगी के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। जनता को 70 साल तक ऐसे लोगों ने भ्रमित रखा और उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा। योगी के राज में सड़कों का जाल और एक्सप्रेस वे का जाल भाजपा सरकार बिछा रही है और जनता 10 मार्च को इसको फिर से जवाब देगी। साथ ही में वहीं हिजाब के मुद्दे पर पूछे जाने पर तेजस्वी सूर्या टालम टोल करते हुए नजर आए। तेजस्वी जी, आप यमुना जो आगरा एक्सप्रेस वे है उससे निकले, आपने कहा कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे दिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके किया है कि सूरज के तले अंधेरा है और उनको ये नहीं पता कि ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया, क्या कहना है आपका? आज राजा राम मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ मेरे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार जी भी है और मध्य प्रदेश के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग भी मेरे साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य पूर्ण तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, वैसे ही देश में मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य का निर्माण देश में हो रहा है। जो लोग बेंगलोर में मैसूर में आकर इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, ऑस्ट्रेलिया जाके विदेश जाके शिक्षण किया था, वैसे लोग आज वर्चुअल रैली क्या होता है इसका मतलब भी उन लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे जो डायनेस्टी लोग जो होते हैं, ऐसे जो शहंशाह लोग जो होते हैं, उनको योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन आया है, कैसे योगी जी के उत्तर प्रदेश आज देश भर में एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम में कैसे आज देश भर में जाना जा रहा है, इसके बारे में उन लोगों को जानकारी शायद कमी होगा। 2017 से पहले, मतलब योगी जी आने से पहले, सारे उत्तर प्रदेश में पिछले 70 साल में लगभग 400 के आसपास एक्सप्रेसवे, 400 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेसवे प्राप्त हुई थी, काम हुई थी। योगी जी आने के बाद सिर्फ 5 साल में 1300 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे का काम सैंक्शन हुई है और काम जारी भी है। इसलिए ऐसे जो लोग टिप्पणी करते हैं योगी जी के काम के बारे में, उन लोगों को इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोग 10 तारीख को वापस घर पहुंचाने का काम फिर एक बार उत्तर प्रदेश की महाजनता करेगी। भारत माता की जय। कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में बड़ा हिजाब का मुद्दा चल रहा है, नेशनल लेवल है, भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिजाब का क्या स्टैंड है? ये हिजाब का जो मामला है, अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला चल रहा है, इसका चर्चा चल रहा है। कोर्ट जो आदेश देगा वो आदेश को पालन करना सबका दायित्व बनती है। ये अभी सब जुडिस है, ये आपका क्या मानना है, कितना सही है? इशू कोर्ट के पास है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। खैर, मध्य प्रदेश के लिए प्रतिपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।